बीटीसी 2015 का पेपर निरस्त होने के बाद मंगलवार को परीक्षार्थियों ने टाउन हॉल से एक रैली निकाला और डीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और परीक्षा तिथि घोषित की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि पेपर लीक होने की घटना एक सोची समझी चाल है, बार बार पर्चा लीक होने से छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है, इसलिए एक परीक्षा कमेटी बनाकर परीक्षा संचालित होनी चाहिए जिससे सुचिता पूर्वक परीक्षा संपन्न कराया जा सके। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डाइट के प्राचार्य डॉक्टर जेपी सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह पदौड़िया से वार्ता करके उनके समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदर्शन कर रही छात्रा और डाइट के प्राचार्य डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया। आगे बढ़ेगा हम लोग समझ में आएगा। ये आप जो लिख रहे हो सब हम डीएम साहब के माध्यम से वहाँ पहुँचाए। जी सर, सर ये बताइए सर, हर परीक्षाओं की दो प्रश्नें होती है, अगर अगर निकल जाए परीक्षा करा सकते जो आप लिखोगे उस पर हम सर ऐसे होता है कि हर आपको साथों दिखा देंगे। हम लोग तो जल्दी निर्णय होगा, जीत का मामला है आपको वहीं से निर्णय होगा तो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग आइए, आपके केवल एक युवक की समस्या नहीं है, हम लोग की बात में सिर्फ इतना है कि टेट की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, ये परीक्षा जो एग्जाम है उसको बाहर करा दी जाए। हम लोग बाहर धरती में सामने वहाँ तक चला जाएगा, जो निर्देश आएगा, क्योंकि जो निर्देश वहाँ से आया उसी निर्देश के अनुसार पालन करना है। कल रात में आदेश आया कि भाई परीक्षा निरस्त होगी, हमारा पेपर लीक हुआ, ये चीजें निरस्त हो गई, हमारे पेपर तुरंत निरस्त कर दिए गए। 68,500 में इतने साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद भी उसको निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा? परीक्षा नियामक के द्वारा करना है। तो रोशनी कुशवाहा, बीटीसी 2015 बैच की परीक्षा 8, 9, 10 को आगामी तिथि को होने वाली थी, लेकिन वो परीक्षा पहले ही हमारी परीक्षा को लीक करा दिया गया पेपर को। उसी की धरना के लिए हम लोग आए हैं कि जो अगली परीक्षा होने वाली है 95,000 की भर्ती में, हम सभी को बीटीसी 2015 बैच को, यानी कि हम सबसे टफ कॉम्पिटिटर उनके लिए लग रहे हैं, यानी कि जो 20 लाख के फॉर्म भरे गए हैं 2015 बैच सबसे टफ कॉम्पिटिटर उनको लग रहा है, इसलिए इस तरह की एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई। हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये परीक्षा हमारे इसी हफ्ते में की जाए और टेट की भी तिथि को आगे बढ़ाई जाए, तो भी हम लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, एक महीना स्टेट टेट को, क्योंकि हम लोग को उलझन में डाल दिया गया, क्योंकि सबसे टफ कंप्यूटर हम लग रहे थे और हमें उलझन में डाल दिया गया कि हम टेट परीक्षा को भी क्वालिफाई ना कर पाए और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ना जा पाए। तो हम लोग की पूरी रणनीति है कि हम लोग को किसी तरह से इसको लगाया जाए, हम यही चाहते हैं। पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गई थी, परीक्षा हुई तो हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी, परीक्षा के बाद पता चला। लेकिन सरकार को इसकी नीति बनानी चाहिए कि अगर हर यूपी की हर परीक्षाओं में अगर ये धांधली हो रही है तो उसके पास एक सेट बनानी चाहिए, कि उसके पास ये रणनीति होनी चाहिए कि अगर परीक्षा अगर एट द पॉइंट नहीं होती है तो इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में उनको ये रखना है कि हम तत्काल कैसे सरकार की रणनीति है कि वो इतनी एक परीक्षा नहीं करा पा रही है ठीक से, ये वो रखना चाहिए कि वो अपने बैकअप प्लान के जरिए उस दिन को किसी बच्चों को ये ना लगे पेपर लीक होने के बाद से जब हम परीक्षा में बैठे तो वो पता ही ना चले कि पेपर सेट वही है। हमें किसी तरह से आगे भी ये चीजें हो, क्योंकि अभी अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में हर एक प्रोसीजर के तहत हमें ये भी करना पड़ेगा, हम पढ़ाई भी करें और यहाँ के धरना भी दें, तो ये कहाँ से, और हमें उलझन में ही डाला गया है क्योंकि उनको लगता है कि सबसे टफ कॉम्पिटिटर 2015 बैच है और हमें उलझन में डालकर अगर परीक्षा तिथि बढ़ भी जाती है, ये परीक्षा होगा कब, ये तिथि आएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी आगामी तिथि भी जल्दी से दे और उसकी कापी भी 10 दिन के अंदर जांच करके दे और टेट को भी आगे डेट को बढ़ाए। नहीं, ये हुआ कि जो इन्होंने प्रत्यावेदन दिया है, जो पेपर आउट हुए हैं उसकी परीक्षा जल्द से जल्द करा दिया, इसका प्रत्यावेदन हम लोग सचिव परीक्षा नियामक को भेज देंगे। हम मान ही गए हैं, उनको तिथि का निर्धारण उनके द्वारा किया जाना जो है सचिव परीक्षा नियामक के द्वारा। हाँ, अभी आया हुआ 8, 9, 10 की जो परीक्षा चल रही थी 8 तारीख से, उसका पेपर लीक हो गया जिसके कारण जो है परीक्षा निरस्त हुई है। तो सब शासन से शासन से।